व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कभी इंडिया का T20 स्क्वाड जो है वो घोषित कर दिया गया है, और गाइस इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11 जो होगी वो एक तरफ होगी, जिनको सिलेक्ट किया गया है वो एक तरफ होंगे, जो इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो रिजेक्टेड हैं या फिर इंजर्ड हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे, वो 11 प्लेयरों की टीम एक तरफ होगी। तो गाइस एंड में बताना कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाइस जो टीम नहीं खेल रही ना ये वाला वर्ल्ड कप, वो भी जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे वो टीम भी गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना और एंड में ज़रूर बताना कि अगर ऐसा कोई मैच हुआ इन दोनों के बीच तो कौन सी टीम जीतेगी। गाइस सबसे पहले बनाते हैं जो टीम सिलेक्टेड है। गाइस ओपनिंग पर नो डाउट रोहित शर्मा आने वाले हैं, इस टीम की कैप्टनसी भी करेंगे, और इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया अपने पहले मैच में कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। इनका गाइस साथ देंगे कमाल लाजवाब राहुल। नंबर 3 की बात करूं तो गाइस नो डाउट किंग कोहली, विराट कोहली, रन मशीन कोहली आने वाले हैं। और गाइस इसके बाद नंबर 4 की बात करूं तो वहां पर आने वाले हैं मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। डेफिनेटली ये नंबर 4 पर ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 5 पर गाइस हार्दिक कुंफू पांड्या आएंगे, जो कि आपको बॉलिंग के ऑप्शन देंगे, और गाइस नंबर 5 पर ही आपको ये टीम इंडिया के लिए उतरते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6 पर गाइस द फिनिशर दिनेश कार्तिक। गाइस क्या फिनिश कर रहे हैं ये मैच, गाइस आते ही बूम बूम बस आउट ऑफ द पार्क की बॉल को भेज रहे हैं, पहली बॉल से ही अपना काम जो है वो कर दे रहे हैं, और इस टीम की विकेट कीपिंग भी आपको यही करते हुए नजर आएंगे। नंबर 7 पर गाइस अक्षर पटेल। अगर सर रविंद्र जडेजा होते तो वो होते, लेकिन वो नहीं है, तो अक्षर पटेल इस टीम का हिस्सा है, तो ये आपको नंबर 7 पर खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 8 पर गाइस हर्षल पटेल, पर्पल पटेल। अभी पर्पल पटेल तो चलो नहीं है, लेकिन हर्षल पटेल गाइस वापसी कर रहे हैं, और अच्छी खासी ये T20 स्पेशलिस्ट हैं। आपको डेथ ओवर में एक बॉलर चाहिए तो हर्षल पटेल आपके लिए डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, स्लोअर वंस का बहुत ही अच्छे से ये इस्तेमाल करते हैं। और गाइस नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार या फिर राशदीप। मेरे हिसाब से पहले मैच में भुवनेश्वर के साथ ही जाएंगे, लेकिन 19th ओवर या फिर डेथ ओवर में भुवनेश्वर से बॉलिंग मत करवाना भाई, बहुत रन पड़ रहे हैं। 19 ओवर लगातार रोहित शर्मा करवा रहे हैं और लगातार पिटाई खा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। नंबर 10 पर गाइस बूम बूम जसप्रीत बुमराह, और गाइस नंबर 11 पर यूजी चाहल। ये जो प्लेइंग 11 है ना सिलेक्टेड की, ये तो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब गाइस वो प्लेइंग 11 बनाते हैं जिनको मौका नहीं मिला, या फिर वो इंजर्ड थे, जो अनसिलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड 11 बनाते हैं। गाइस ओपनिंग पर गाइस ईशान शानदार किशन। गाइस ये बंदे ने भी काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी T20 क्रिकेट में, लेकिन इनको भी ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। ईशान शानदार किशन, हालांकि केएल राहुल को भी बहुत मौके मिले हैं, उतने अगर मिलते तो शायद ईशान किशन भी परफॉर्मेंस करके दे देते। इनका गाइस साथ देंगे ऋतुराज गायकवाड़। ईशान गायकवाड़ की जोड़ी वहाँ पर रहने वाली है। नंबर 3 पर गाइस शुभमन गिल। जी हाँ गाइस ये भी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, क्योंकि नंबर 4 पर गाइस श्रेयस अय्यर आने वाले हैं, जो कि इस टीम की आपको कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर गाइस संजू सैमसन। ये गाइस अगर संजू सैमसन का सिलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए था, रिजर्व में तो रखना चाहिए था, हालांकि रिजर्व में श्रेयस अय्यर को रखा है, लेकिन संजू सैमसन को पहली बात तो टीम में सिलेक्शन होना चाहिए था। अगर रिजर्व में नहीं रखा तो फिर गाइस काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आते ही ताबड़तोड़ खेल सके, और नंबर 4-5 पे संजू सैमसन ऐसा काम करके दे सकते थे। श्रेयस अय्यर के बाद नंबर 5 पे संजू सैमसन आकर ही बड़ी बड़े हिट्स लगा सकते थे, लेकिन चलो इस टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। नंबर 6 पर गाइस वेंकटेश अय्यर, जो कि आपको बॉलिंग के ऑप्शन भी देंगे, नीचे आकर तकड़ी पावर हिटिंग ये भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर गाइस सर रविंद्र जडेजा। ये इस टीम में खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये इंजर्ड ना होते तो डेफिनेटली इनका सिलेक्शन होना पक्का था, तय था। नंबर 8 पर गाइस शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करो तो इनकी जगह पक्की है, टीम इंडिया में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से जब से दिल्ली की टीम में गए ना तो इनका परफॉर्मेंस और गिर गया है। IPL में दिल्ली की टीम में गए और उसके बाद इनकी खूब आलोचना हुई, और इन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन गाइस किया नहीं है, तो जिस वजह से टीम से भी बाहर चल रहे हैं। नंबर 9 पर गाइस दीपक चाहर। मेरे हिसाब से दीपक चाहर का इस इंजरी की वजह से बाहर चल रहे हैं, इनका जो 15 मेंबरी स्क्वाड में नहीं सिलेक्शन हुआ, मेरे हिसाब से इसी वजह से नहीं हुआ। इंजरीज काफ़ी रहती हैं इनको, और डेथ ओवर में थोड़ी सी इनको अपनी जो है वो बॉलिंग और सुधारनी होगी। डेथ ओवर में थोड़े से इनको जो है वो रन्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। और जो सबसे चौंकाने वाला नाम है गाइस नंबर 10 पर मोहम्मद सेंसेशनल शामी। सबसे चौंकाने वाला नाम है गाइस, कई लोग तो ये तक बोलने लग पड़े हैं कि मुसलमान होने का जो है वो खिताब मिला है मोहम्मद शामी को, मुसलमान है इसलिए नहीं टीम में लिया गया। अभी आपकी क्या राय है, मैं तो इस पे गाइस कुछ बोलूँगा नहीं कि क्या सीन है, पर मोहम्मद शामी का बनना खेलना मतलब टीम में होना बनता था, इनका टीम में होना खेल बनता था, ये तो मैं बोलूँगा, लेकिन अभी दूसरी बात पे कमेंट नहीं कर सकते। आप अपनी राय भी गाइस छोड़ सकते हैं कि मोहम्मद शमी को क्यों नहीं लिया गया। गाइस इतना बढ़िया प्लेयर है, अभी गुजरात टाइटंस ने जो खिताब जीता उसमें मोहम्मद शमी का कितना बड़ा हाथ है आप सभी को पता ही है। लॉकी फर्गसन जैसे बॉलर्स को रन पड़ रहे थे, उनको बाहर बिठाया गया, लेकिन मोहम्मद शमी ने ज़बरदस्त बॉलिंग करके दी है। और गाइस नंबर 11 पर रवि बिश्नोई, अभी रिसेंटली इनको मौके मिले और काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है रवि बिश्नोई ने। तो गाइस ये दोनों टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, सिलेक्टेड वर्सेस रिजेक्टेड। अभी गाइस आपका काम है, अगर ऐसा कोई मैच हुआ, अगर ऐसा कोई ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा इन दोनों टीमों के बीच, तो आपको क्या लगता है गाइस, रिजेक्टेड की टीम सिलेक्टेड को हरा देगी या फिर सिलेक्टेड की टीम जो है वो भारी पड़ेगी रिजेक्टेड टीम पर? कौन सी टीम जीतेगी गाइस, अय्यर की या फिर रोहित शर्मा की? नीचे कमेंट बॉक्स खोलें, कमेंट करके बताइए। और इस हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।